वॉइस ऑफ नेशन से आज आपको ये दिखाने का काम कर रहा हूँ कि वार्ड में नाला साफ होने का काम हो रहा है। ये चुनाव से पूर्व भी होना था लेकिन ये हो नहीं पाया। इसकी मुख्य वजह थी कि पहले लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये काम मुखिया कराएंगे, लेकिन ये काम मुखिया नहीं कराएंगे बल्कि समाजसेवी लोगों ने अपने काम कराने का जिम्मा उठाया। हमारे साथ ये संजय कुमार हैं जो आज ये बताए हैं कि ये ना तो किसी फंड से ना तो कहीं और किसी रकम से हो रही है बल्कि अपने पॉकेट के जरिए हम ये काम करवाने का काम करें ताकि छठ पर्व के दिनों में लोगों को दिक्कत ना उठाना पड़े। मैं सुजीत कुमार अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम पलटन मांझी। ये बताइए जो नाली का जो साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, हाँ, ये नाली कहाँ से कहाँ तक आपका साफ होना है? रोड से स्कूल तक। ये कितने दिनों में हो रहा है? हाँ, आज चालू किए हैं, वही 3-4 दिन में हो जाएगा। एक बात बताइए, जो साफ सफाई का काम हो रहा है किसके जरिए हो रहा है? संजय डॉक्टर जरिए। आप ये बताएंगे ये कौन सा वार्ड नंबर है और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय कुमार, पूर्व सरपंच है। अच्छा, ये जो नाले की सफाई का काम हो रहा है ये कितने दिनों से हो रहा है और किसके फंड से हो रहा है? ये फंड किसी का नहीं है, हम अपने फंड से कर रहे हैं, अपने पैसे से। अच्छा, ये कितने दिनों से हो रहा है और कहाँ कहाँ ये काम हो चुका है? रामपुर रोड में हुआ था, नंदलाल शर्मा से लेकर पैन तक, और उसके बाद ये प्राइमरी स्कूल जो है मननपुर बाजार में उसका लेकर पैन तक होगा पूरा सफाई। अभी लोगों के मन में ये शंका उभर रहा है कि मुखिया चुनाव के समाप्त होते ही यह काम आखिर शुरू हो गया है, तो क्या किसी फंड के जरिए है या फिर कोई अपने पॉकेट से करवा रहे हैं, तो ऐसे में क्या आप समाज सेवा का काम कर रहे हैं? हम समाज सेवा का काम कर रहे हैं, कोई फंड नहीं है इसमें।